और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी ने अफसरों का मांगा है ब्यौरा और सभी आईएएस अफसरों का यहां पर ब्यौरा मांगा गया है। दिल्ली और उसके आसपास के जिलों का भ्रमण करने वाले सभी अधिकारियों का ब्यौरा मांगा गया है। विदेश जाने वाले अधिकारियों की भी पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। 1 अप्रैल से अब तक के जितना भी यहाँ पर भ्रमण किया अधिकारियों ने और उन सब अधिकारियों का यहाँ पर यह ब्यौरा मांगा गया है। मुख्य सचिव से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है और पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सचिव जो है 1 सप्ताह के अंदर ही पूरी सभी अधिकारियों की रिपोर्ट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे और सीएम योगी ने यहां पर सभी आईएएस अधिकारियों का ब्यौरा मांगा। दिल्ली और उसके आसपास के जिलों का भ्रमण करने वाले सभी आईएएस अधिकारियों का ब्यौरा मांगा गया और साथ ही विदेश जाने वाले अधिकारियों की भी पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। और 1 सप्ताह के अंदर ही मुख्य सचिव से कहा गया है कि इस पूरे जो है पूरी रिपोर्ट जो है पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाए। अब 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव जो है पूरी जानकारी सभी अधिकारियों के जिन अधिकारियों ने विदेश यात्रा की है और साथ ही जिन अधिकारियों ने दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी जिलों का जो यहां पर दौरा किया है भ्रमण किया है उन सभी अधिकारियों की पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ को मुख्य सचिव 1 सप्ताह के अंदर देंगे। और सभी आईएएस अफसरों का ये ब्यौरा यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगा है और दिल्ली और उसके आसपास के जिलों के यहाँ पर भ्रमण करने वाले सभी अधिकारियों की पूरी जानकारी मांगी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए विवेक तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से फोनलाइन पर जुड़े हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सभी आईएएस अधिकारियों का ब्यौरा मांगा है, जिन अधिकारियों ने दिल्ली और आसपास के जिलों का भ्रमण किया उन तमाम अधिकारियों का? जी हाँ, मिला दीजिए, एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मुख्य सचिव कार्यालय को गया है जिसमें ये जानकारियां तलब की गई हैं कि कितने आईएएस अफसर ऐसे हैं जिन्होंने नोएडा और दिल्ली के फ्रिक्वेंटली टूर किए हैं, सरकारी टूर किए हैं या फिर प्रदेश के बाहर अगर उन्होंने दौरा किया है सरकारी खर्चे पर तो क्यों किया है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दौरा किया है, ये सारी जानकारी मुख्य सचिव से 1 हफ्ते के भीतर तलब की गई। बिल्कुल, लेकिन विवेक, इस तरह से अचानक से सभी अधिकारियों का ब्यौरा मांग लेना, जो विदेश यात्रा जिन अधिकारियों ने की है उन अधिकारियों का भी और जो अधिकारी जो आईएएस अफसर ने दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के आसपास के जिलों का भ्रमण किया, अचानक से क्या कुछ कारण माने जा रहे हैं कि यहां पर सभी की जो है रिपोर्ट मांगी है? देखिए, जब ये सरकार बनी थी उस वक्त ये कहा गया था कि सरकारी जो खर्चे हैं गैर जरूरी वो कम किए जाएंगे और काफी कुछ इस सरकार ने किया भी है, बहुत सारे खर्चों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान जो खाना पीना हुआ करता था वो बहुत महंगा हुआ करता था उसको कम किया गया है, तमाम चीजों में कटौती की गई है और ये शायद इसीलिए ये जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी खर्चों में कमी करने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हों जो इसका दुरुपयोग कर रहे हों अपने पद का और सरकारी पैसे का, इस लिहाज से जानकारियां तलब की गई। बिल्कुल, लेकिन विवेक, जिस तरह से यहाँ पर ये पूरी जानकारी मांगी गई, अगर कोई अफसर ने यहाँ पर सरकारी खर्च का दुरुपयोग किया, ज्यादा खर्च किया विदेश यात्रा पर या फिर दिल्ली और उसके आसपास के जिलों का भ्रमण करने को लेकर, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, किसी तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, अभी तो जानकारी फिलहाल मांगी गई है, जानकारियों के उसको स्क्रूटनी किया जाएगा, उसकी स्कैनिंग होगी उसकी और ये देखा जाएगा कि इसमें कौन सा जरूरी था कौन सा गैर जरूरी था। होता यह है, दरअसल उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि लखनऊ के बहुत सारे, लखनऊ में काम कर रहे बहुत सारे ऐसे आईएएस अफसर हैं जिनके आवास नोएडा और दिल्ली में है, तो किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई सरकारी दौरा बनाकर अपने घरों को चले जाते हैं और इसी वजह से सरकार का जो खर्चा है जो हम गैर जरूरी खर्चा कहते हैं वो बढ़ता है, तो शायद इस चीज को स्क्रूटनाइज करने के लिए ये डिटेल्स तलब की गई है और जब ये जानकारियां आ जाएंगी उसके बाद सरकार तय करेगी कि आगे क्या करना। बिल्कुल विवेक, अब देखना होगा कि मुख्य सचिव की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसमें किन अधिकारियों के नाम शामिल होंगे और आगे क्या कुछ कदम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ने के और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।